इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में रिवर इंडी ने क्या किया, एंट्री मारा, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ गया, भाई रिवर इंडी ले या ओला S1 प्रो ले या एथर 450X ले या रिवर इंडी के एक साथ कंपैरिजन करें TVS iQube का। तो सीधा मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ, आज सीधा कंपैरिजन करेंगे रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी देता है, और दूसरा TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 3 साल या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी देता है। इनका डिटेल कंपैरिजन हम करने वाले हैं। तो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इतने डिटेल वीडियो शायद ही आपको दूसरे चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे सामने है सीधे दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, TVS iQube और रिवर इंडी। लुक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जब मैं लुक्स की बात करता हूं गाइस, तो ऑफकोर्स मुझे यहां पे TVS iQube का लुक अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक कन्वेंशनल लुक है जो हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हमारे दिमाग में फिक्स हो गया है, उसके ऊपर से मैं बोलता हूँ TVS iQube का लुक अच्छा है। बट अगर आप ये स्कूटर देखोगे राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है रिवर इंडी, इसका लुक्स थोड़ा अलग है। बट ये लुक क्यों बना है, क्योंकि करीबन 43 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे है, पीछे 12 लीटर का यहाँ पे है, एडिशनल आप 25 लीटर तक का पीछे लगा सकते हो, यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है। तो अगर आप ग्रोसरी शॉप में काम करते हो, डिलीवरी बॉय हो, कौन सा भी चीज़ करना है आपको, तो ये बेहतरीन करने के लिए लुक ऐसा बना है। अभी यहाँ पे लाइट जा चुकी है, बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द वीडियो बिकॉज मुझे आपको आज वीडियो देना ही है। रोज मैं वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कोशिश हमारी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो सीधा स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन अभी हम करने वाले हैं। जैसे कि पहला कंपैरिजन पॉइंट है बैटरी। गाइज, बैटरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बैटरी जो होता है वो हार्ट होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे सीधा हमें दिख जाएगा कि 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है TVS iQube S में, और 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है रिवर इंडी में। तो रिवर इंडी इज हैविंग मोर बैटरी, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू बेटर रेंज। सिंपल, जितना KWH ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेंज मिलेगा, रेंज बढ़ते जाएगा। जितना KWH ज्यादा, मतलब जितना एनर्जी ज्यादा बैटरी का, उतना इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज बढ़ने वाला है। तो रिवर इंडी का 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और TVS iQube S का 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। अगर मोटर की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस है, TVS iQube की जो मोटर है वो पहिए में बैठती है, ये BLDC हब मोटर है जो गाड़ी के पहिए में चली जाएगी। वेयर एज रिवर इंडी का जो मोटर है ये इसके बेल्ट ड्रिवन टेक्नोलॉजी से चलेगा, जैसा एथर है, एथर का भी बेल्ट ड्रिवन मोटर है। एक बेल्ट जो है वो मोटर के शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है और वही बेल्ट आगे पहिए से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है रिवर इंडी में वो डायरेक्टली BLDC हब मोटर नहीं है, AC मोटर है, PMSM मोटर जो बेल्ट के थ्रू पहिए से कनेक्ट होगा, जिसकी पिक पावर 6.7 किलोवाट की है, एथर 450X की 6.2 किलोवाट की है। अगर हम बात करें ओला S1 प्रो की तो 8.5 किलोवाट की है। यहाँ पे TVS iQube S जो है उसकी पिक पावर खाली 4.4 किलोवाट की हमें दिख रही है, विच इज अ वेरी लेस एज कंपेयर टू रिवर इंडी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर BLDC हब मोटर है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, रिवर इंडी का AC मोटर है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छा लाइफ आपको AC मोटर देगा, ज्यादा अच्छा वाटर प्रूफिंग आपको AC मोटर देगा। क्योंकि जब आप BLDC वाली स्कूटर चलाओगे तो वो रास्ते में जो खड्डे है उसका सीधा इंपैक्ट मोटर पे चला जाता है, क्योंकि मोटर जो है वो व्हील में फिट होता है। तो व्हील जो एक्सपीरियंस करेगा वही चीज मोटर भी एक्सपीरियंस करेगा, सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ BLDC हब मोटर। तो मोटर के बारे में मैं सीधा बोल दूंगा कि रिवर इंडी बेहतरीन है क्योंकि उसमें AC मोटर है, TVS iQube में BLDC हब मोटर है। ट्रू रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर का ट्रू रेंज TVS iQube S में मिल जाता है, वेयर एज रिवर इंडी में 120 किलोमीटर का रेंज मिलता है। यहां पे जो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू द बैटरी कैपेसिटी। रिवर इंडी का बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू TVS iQube S। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 90 km/h का टॉप स्पीड हमें रिवर इंडी में मिल रहा है, वेयर एज TVS iQube S में सिर्फ 78 km/h का टॉप स्पीड मिल रहा है, मतलब 12 km/h का डिफरेंस है। बट इफ यू आर गोइंग टू राइड दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर इन सिटी एरिया तो टॉप स्पीड ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सिटी में वैसे भी ज्यादा फास्ट गाड़ी हम चला नहीं पाते, स्पीड का लिमिट होता है। एवरेज स्पीड अगर आप मुंबई जैसे सिटी का देखो तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग
टू बी मोर देन 30 kmph, आप कंटिन्यूअसली 60 के स्पीड से, कंटिन्यूअसली 50 के स्पीड से, इवन कंटिन्यूअसली 40 के स्पीड से भी सिटी में गाड़ी नहीं चला सकते। तो अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए बात कर रहे हो तो वहां पे टॉप स्पीड देखने की जरूरत नहीं है। ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो 18 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी आपको रिवर इंडी में मिल जाता है, मतलब एलिवेशन अच्छा चढ़ पाओगे, क्लाइंबिंग अच्छा कर पाओगे। कहां पे भी अगर आप जहां सिटी में रहते हो वहां पे फ्लाईओवर्स ज्यादा है या एलिवेशन ज्यादा है, या अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो, या अगर आप कंसिडर करो लेह लद्दाख में चले गए जहां पे एलिवेशन ज्यादा है, तो वहां पे रिवर इंडी ज्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि 18 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी है। वेर एस टीवीएस आईक्यू वेस्को 10 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी है तो कुछ नहीं कर सकता। गाइज यहां पर पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं, बीच में अचानक से लाइट चली गई, उसके वजह से आपको शायद अभी ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा। एक्चुअली ये एनिमेटेड होता है, पीछे का पूरा चला जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट गया है तो अभी आपको वो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। बट वीडियो मुझे आपको देना है, हर दिन वीडियो देना है, तो कुछ भी हो मुझे वो करना पड़ेगा। तो सॉरी एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर एक्सेप्टिंग वॉट एवर क्वालिटी ऑफ वीडियो इज कमिंग अप टू यू। अगर बूट स्पेस की बात करें तो यहां पे तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओला S1 Pro का पहले सबसे ज्यादा था 36 लीटर का बूट स्पेस था, बट यहां पे रिवर इंडी में वो 43 लीटर का बन चुका है। आपके सीट के नीचे जहां पे आप बैठते हो उसके नीचे 43 लीटर का बूट स्पेस आपको रिवर की इंडी में मिलेगा, वेयर एज टीवीएस आईक्यू एस में वो खाली 17 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल रहा है, विच इज क्वाइट लेस। अगर आप देखो तो दुप्पट से भी ज्यादा, मतलब ट्वाइस से भी ज्यादा बूट स्पेस अवेलेबल है रिवर इंडी में। ओके और आगे यहां पे भी जगह है रखने को, 12 लीटर की जगह है, जो बजाज चेतक में आगे भी जगह है ना, डिक्की जैसी जगह, आगे वाली डिक्की, तो वहां पे ग्लो बॉक्स बोलते हैं इसको, वो 12 लीटर का एडिशनल अवेलेबल है, वो टीवीएस में अवेलेबल नहीं है। तो बूट स्पेस में भी रिवर इंडी बेहतरीन है। अगर आप वारंटी की बात करें तो यहां पे 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको टीवीएस आईक्यूब में मिल रही है, वेर एज खाली 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको टीवीएस में मिल रही है। तो 2 साल का डिफरेंस है वारंटी में। देखिए वारंटी में भी रिवर इंडी इज बेटर। अगर आप एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 10,000 का डिफरेंस है गाइस, लगभग 1,10,000, विच इज व्हाट यू कैन से डिफरेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट अलग हो सकती है, बट 1,10,000 तक की एक शोरूम प्राइस आपको टीवीएस आईक्यूब एस की है, और रिवर इंडी की वो 1,20,000 तक की है। तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर आप ओवरऑल देखो, अगर हर पॉइंट में आपको बोलूं तो रिवर इंडी का बैटरी बड़ा है, रिवर इंडी का मोटर बड़ा है, रिवर इंडी का रेंज ज्यादा है, रिवर इंडी का टॉप स्पीड ज्यादा है, ग्रेडेबिलिटी अच्छा है, बूट स्पेस तो बेहतरीन है, वारंटी भी अच्छा है, सिर्फ प्राइस में टीवीएस आईक्यूब एस यहां पे हमें विनर दिख रहा है। तो आपको ये सोचने की जरूरत है, अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करना है और अगर आपका बजट 1,20,000 या 1,30,000 तक है, तो दो ऑप्शंस आपके सामने नए आ चुके हैं, टीवीएस आईक्यूब एस तो पुराना है वैसे बट अगर आपको लेना है तो, और दूसरा है रिवर इंडी। मैं तो रिवर इंडी सिलेक्ट करूंगा क्योंकि सीधा दिख रहा है यहां पे कि रिवर इंडी तबाही कर रहा है। रिवर इंडी के बहुत सारे फीचर्स जो है, या टॉप स्पीड बोलो, रेंज बोलो, ग्रेडेबिलिटी बोलो, बिल्ड क्वालिटी बोलो, लुक्स बोलो, लुक्स मतलब लुक्स तो आपको पता है कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, तो लुक्स आर नॉट व्हाट यू कैन से थिंक दैट वी शुड डिस्कस ऑन। तो अभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाते हैं गाइज। अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम जंपिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ बोथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। पहले रिवर इंडी, रिवर इंडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा। लुक्स तो है ही इनके वेबसाइट के, बट अगर आप देखो थोड़ा डिस्टिंक्टिव यूथ के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, जो इमेजेस इन्होंने डाली है। बात करें गाइज जो जिन्होंने डिज़ाइन का बात करें तो आगे जो है फ्रंट फ्लू फुटपैक्स जो है वो डिज़ाइन में समा जाते हैं। और अगर आप बूट स्पेस की बात करो तो 43 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस है आपके सीट के नीचे, बट आगे भी करीबन 12 लीटर्स का ग्लो बॉक्स अवेलेबल है जहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। ओवरऑल जब आप रास्ते के ऊपर से रिवर इंडी लेके जाओगे तो लोगों का अटेंशन आपके ऊपर आएगा ही, क्योंकि लुक थोड़ा अलग है बट मस्त है ऐसा मुझे लगता है। वाइड सीट अवेलेबल है, आपको ड्यूअल कलर टोन मिल जाएगा, एलॉय क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाएंगे, पीछे अच्छे खासे ट्यूब टेल लाइट मिल जाएंगे, आगे आपको ट्यूबुलर बिल्ट इन सेफ गार्ड्स मिल जाएंगे, ऑलरेडी सेफ गार्ड्स बिल्ट इन दे दिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग द सेफ्टी। 14 इंच के एलॉय व्हील्स है, और क्या चाहिए, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे आपको ट्विन हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन है, अल्ट्रा वाइड सीट मिलेगा, मतलब सीट कंफर्ट अच्छा रहेगा, राइडर को और पिलियन को दोनों को भी बहुत अच्छा खासा कंफर्टेबल सीट अवेलेबल है। 20 इंचेस का वाइड अल्ट्रा फ्लैट फुटबोर्ड है,
जहां पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कितना डिस्टिंक्टिव वेबसाइट बनाया है, कितना बेहतरीन वेबसाइट बनाया है, कोई वेबसाइट भी देख ले तो पूरा नॉलेज मिल जाएगा ऐसा वेबसाइट इन्होंने बनाया है। और बात करें गाइज तो आपको एडिशनल कुछ सामान रखना है तो क्लिप एंड गो पैनियर बॉक्सेस मिलेंगे जो 40 liters तक का कैपेसिटी इसका बढ़ा देंगे। बोल्ट ऑन मोबाइल फोन होल्डर ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, प्रोटेक्टिव विंडशील्ड भी मिलेगा, डिटेचेबल फ्लोर केज मिलेगा, मतलब इतनी सारी चीजें जो दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं थी वो इसमें डाल दी है, विच इज अ वेरी 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 पॉजिटिव पॉइंट अबाउट रिवर इंडी। पीछे आप अगर आप डिलीवरी बॉय हो तो ऑल वेदर बॉक्स एडिशनल 25 लीटर्स का लेके उसमें रख सकते हो, विच इज अनदर वेरी गुड थिंग। और IP67 रेटिंग, 1,00,000 किलोमीटर तक टेस्टिंग हुआ है, 5 years का वारंटी है, तो और क्या चाहिए। तो वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन। 120 किलोमीटर का एक्चुअल रेंज मिलेगा, 3.96 में 0 to 40 करेगा, 18 degree का ग्रेडेबिलिटी मिल जाएगा, वाह वाह वाह। और 1,25,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, यहाँ पे मेरे से गलती हो गया, 1,25,000 एक शोरूम प्राइस है, मतलब 10,000 से 15,000 रुपये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू TVS iQube। इफ़ यू वॉन्ट टू प्री ऑर्डर, आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हो, यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हो, 1,250 रुपये दे के यू कैन सिलेक्ट और यू कैन बुक द इलेक्ट्रिक स्कूटर। जैसे रेड कलर है, बहुत ही बेहतरीन है, मुझे तो अच्छा लगा। या आप ब्लू कलर भी देख सकते हो, मानसून ब्लू कलर अवेलेबल है, दिस ऑल्सो यू कैन चेकआउट। या यहाँ पे येल्लो कलर अवेलेबल है, विच ऑल्सो यू कैन चेकआउट। तो ये हुआ रिवर इंडी। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी TVS के बारे में बात करते हैं, बड़ा ब्रांड है, इसके पॉजिटिव क्या है बोल देता हूँ। बड़ा ब्रांड है, सर्विस अच्छा मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्ट क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। रिवर इंडी जो है वो अच्छा तो दिख रहा है स्पेसिफिकेशन वाइज, बस अभी तक सामने नहीं आया तो ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकते। बट उसके जो फीचर्स है वो इतने एडिशनल थे कि उसके ऊपर हमने बहुत बात कर दिया ऑलरेडी। तो TVS iQube एक्चुअली 3 variants में आता है, बट जो हम अभी कंपेयर कर रहे हैं वो TVS iQube S है, जिसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है। और बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पे बेंगलुरु की प्राइसिंग ऑन रोड 1,12,000 है। और अगर वारंटी की बात करें तो 3 साल की वारंटी है। TVS iQube S को थोड़ा सा अगर हम और देखना चाहे तो यहाँ पे हम जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। 78 km/h का टॉप स्पीड, 100 km का रेंज, ब्यूटिफुल कलर्स एज यू कैन सी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐप कनेक्टिविटी मिल जाएगा आपको, बिगर ब्राइटर कलर मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जो कलर चेंज हो रहा है ना, एक्चुअली वेबसाइट का जो कलर है वो मेरे चेहरे पे पड़ रहा है, दैट्स वाई यू कैन सी द चेंज इन कलर। अभी व्हाइट है ना वेबसाइट। 17 liter का बूट स्पेस है और बहुत सारे कलर्स है, 4 मतलब अच्छे कलर्स है, ल्यूसिड येल्लो, मर्क्यूरी ग्रे, मिंट ब्लू एंड कॉपर ब्रॉन्ज ग्लॉसी, 4 colors। तो ये सारी डिटेल्स है हमारे पास, यहाँ पे इसको भी आप बुक कर सकते हो। बुक TVS iQube S पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे कलर सिलेक्ट करना है, विच एवर यू विश टू बाय यू कैन सिलेक्ट, एंड आपको नेक्स्ट करके आपका पिन कोड डालना है। वंस यू एंटर द पिन कोड और इफ यू सर्च द लोकेशन आपको पता चल जाएगा। अभी इसने पुणे लिया, मैं पुणे का नहीं हूँ भाई, मैं नासिक का हूँ, तो यहाँ पे नासिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। नासिक सिलेक्ट करने के बाद 5,000 रुपये बुकिंग अमाउंट डाल के यू कैन बुक द TVS iQube एस इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो गाइज ये था डिटेल कंपैरिजन वीडियो अबाउट TVS iQube एंड जो इंडी रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कॉन्टेंट तो मैं अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आपके तरफ। जो क्वालिटी पॉजिटिव वीडियो की शायद वो अप टू द मार्क नहीं है, बट आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। श्योरली आई विल फाइंड सॉल्यूशन ओवर दिस। मिलेंगे गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, PVGen_तस्वीर वाला मेरा हैंडल है। तब तक के लिए जय हिंद।